गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अभिभावक महोदय को नमस्कार। और जैसे जैसे बच्चों को लिखवाने के लिए निर्देश दिया जाता है, वैसे आप अपने बच्चों को अवश्य लिखवाएं, प्रेम से उसे गोद में बैठाएं अपने बच्चों को, और सही डायरेक्शन में, जिधर आपका दाहिना हाथ उधर ही बच्चों का हाथ, और तब वह कॉपी पर धीरे धीरे लिखेंगे। उस पर या तो डॉट बना दीजिए, स्केच बना दीजिए उससे लिखाएं, या कुछ न कुछ कर दीजिए, बिंदा दे दीजिए जिससे वह लिख सके। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, हम आज अ आ से अंग अह तक लिखना है, तो हिंदी के दो लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। हिंदी के कितने? दो लाइन का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या? तो कैसे? एक कौन लाइन ही होता है? कर्व लाइन, और सेकंड कर्व लाइन। वाह, देखा है ना, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन दे देते, और दोनों में ये जो है यहाँ तक अपना टच होना चाहिए दोनों लाइन। और फिर यहाँ देख लीजिए, कर्व लाइन, सेकंड कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, एक ऊपर से स्टैंडिंग लाइन जिसको कहते हैं डंडा लगा दीजिए, एक और डंडा लगा दीजिए, वाह, ऊपर से एक और ऐसे, है ना, देख रहे हैं, आ आ, इस तरह से हर्ष ई, ऐसे हल्का स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व लाइन, सेकंड कर्व लाइन, एक स्लाइडिंग ऐसे करके दे दीजिए, दीर्घ ई, ये हर्ष ई हो गया, हर्ष ई। और ये देख लीजिए, ऐसे ही बच्चों को पूरे अ आ से लेकर के अंग अह तक पूरे लिखा देना है। और आप क्या करेंगे कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वैसा आप इसमें करा देंगे। देखिए अभ्यास का, ये अभ्यास वर्क है, अभ्यास कार्य है, देख रहे हैं, देखिएगा, हाँ, ओ से ओखली, ओ इसमें भर देना है, हर्षव, देख रहे हैं, उल्लू, आ से आम, दीर्घव से ऊन, है ना, ईक, कौन, ये क्या है, औरत, ओ, री, देख रहे हैं ना, री, अंग से अंगूर, ए से ऐनक, ऐसे ऐनक, ई से इमली, ए से एड़ी, ये सब आपको इसको लिख कर करके पूरा आपको भर देना है। जिसका पहला अक्षर जैसे ओखली है, देख रहे हैं ना, ओखली है, तो ओ पहला अक्षर ओ है, तो ओ से ओखली, इस तरह से बच्चों को लिखवा देना है, और आपका कार्य साफ हो जाता है। फिर आपको क्या करना है सो देखिए, अब इसको बच्चों को जरूर करवाना है। देख लीजिए, यहाँ आप एक ये देख रहे हैं, बच्चों को इस तरह का जो दिया हुआ है, ऐसे आप कॉपी पर इसको खींच दें, और कलर देख रहे हैं ना, एक गोल जो राउंड है, सर्किल है, इसमें रेड कलर डाल देना है, डाल देंगे, अच्छा, ये जो है ब्लैक कलर, ये जो है आपको ब्राउन कलर, ये सब कलर, आप जैसे कलर इसमें बतलाया गया है वैसे कलर
बच्चों को भर देना है, एक कलर आपको करवा देना है। ड्राइंग हुआ, ड्राइंग में बच्चों को एक कलर अवश्य करा देंगे। अब आप आ जाएंगे, देखिए एन फॉर क्या होता है, नेक्स्ट है ना, एन एन फॉर नेक्स्ट, एन ई एस टी नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स घोंसला है ना। और एक होता है एन फॉर नेट, एन ई टी एन ई टी नेट। तो अब एन बच्चों को हम कैसे लिखवाएंगे, यहाँ पर भी आपका जो ये दिया हुआ है इसमें एन फॉर नेक्स्ट बच्चों को पूरा लिखवा देना है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे मैं जैसे बताऊंगा वैसे बच्चों को लिखवा देना है। एन दोनों दिया है, एन फॉर नोज यहाँ पर दे रहा है ना, एन ओ ए सी नेट, और ए पूरा भरवा देना है बोल बोल के। जब भी लिखेंगे तो लाउडली वॉइस में बच्चे इसे लिखेंगे, ऐसा वॉइस लाउडली वॉइस में। अब कॉपी में क्या करना है कि एन बच्चों को सामने ऐसे बना देना है, एन बना देंगे एक कौन लाइन स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से नीचे जो खींचते थे स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, ए स्लाइडिंग लाइन, स्लाइड फिसलते हैं तो ऐसे ही फिसलते हैं स्लाइड, अब फिर एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, क्या स्टैंडिंग लाइन स्लाइडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन है ना। अब इसमें भी देख लीजिए, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देखिए थ्री लाइन का प्रयोग करते हैं, फोर लाइन है इसमें थ्री लाइन, कैपिटल लेटर थ्री लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्लाइडिंग लाइन है ना, स्टैंडिंग लाइन, क्या एन फॉर नोज, स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्लाइडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसी तरह से बच्चों को लिखवाना है, क्या नोज स्टैंडिंग लाइन स्लाइडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन नोज है ना, इस तरह से बच्चे लिख लेंगे। अब जो है इसके बाद मैथ्स लेंगे और उसको काउंट कराएंगे, देख रहे हैं मैथ्स, मैथ्स 12 है, टी डब्ल्यू ई एल वी ई 12 है, टी डब्ल्यू ई एल वी ई 12 है। अब देखिए काउंट करिए, रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, अब ये बॉक्स में पूरे में 12 12 है, हम लोग इसको लिखवा देंगे पूरे बॉक्स में 12 लिखाएंगे। और कॉपी में भी बच्चों को जो लिखवाएंगे हम लोग कैसे इसको लिखवाएंगे सो ध्यान दीजिए, बच्चों को है ना कॉपी में भी हम इसको लिखवा देंगे। देखिए मैथ देख रहे हैं, वेरी गुड। अब वैसे हम बना देंगे कैसे, एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे हम बना देंगे, कॉपी में ऐसे सबसे ऊपर बना दीजिए, और देखिए एक स्लीपिंग लाइन हल्का हो गया ऐसे, ये जो हो गया स्लाइडिंग लाइन और सेकंड स्लीपिंग लाइन 12 1 2 12, तो 1 और 12 है, 1 2 12 है ना, कैसे 1 2 12 है, 1 अंडरस्टैंड है, 1 2 12 अंडरस्टैंड है, इस तरह से हम बना देंगे और बच्चों को लिखवाएंगे, बच्चे साफ साफ कॉपी में लिखेंगे। और प्यारे अभिभावक महोदय अपने बच्चों को बुक अवश्य खरीद दीजिए,
जितना जल्दी बच्चों को बुक खरीदेंगे, बच्चे बुक में भरेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। थैंक यू।